हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आरपीएस द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती से संबंधित प्रश्न कर रहे थे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज का पेपर है, असिस्टेंट प्रोफेसर का है, लाइब्रेरियन एनपीटीआई, जो लगा था 7/1/2024 को। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 22/23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में 2019 से 2021 तक वन क्षेत्र में 30% से अधिक की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जालौर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर। नेक्स्ट, आड़ोती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मृदा है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वर्टिसोल। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, खनिज है और खाने यानी भंडार है, तो टंगस्टन। टंगस्टन की है नाना खराब, तो एक अभी एस्पट्रोस, इसकी है आसिंद, फेल्सपार, लोहरवाड़ा और मैग्नीज, रेवासा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, BADC। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ताल छापर का। नेक्स्ट, लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, गुड़ागांव और गिराल में। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले के युग में अनुसूचित जनजाति का उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बीकानेर और नागौर में। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों में लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम का चयन करना है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पाली, टोंक, दौसा, अलवर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1 से अधिक जिलों में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, टॉडगढ़, रावली। नेक्स्ट, राजकिरण और RBD 57 किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जोंकी। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बांसवाड़ा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। पहला है, ANA है, चंबल परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का संयुक्त उद्गम है, सही है। और गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ था, ये भी सही है। और जवाहर सागर बांध का निर्माण द्वितीय चरण में हुआ था, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए तथा बी सही है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करना है, सीमेंट उद्योग है और उनका स्थान है, तो जेके सीमेंट ये है निमहेड़ा में, और बिरला सीमेंट ये है चित्तौड़गढ़ में, बिनानी सीमेंट ये है पिंडवाड़ा में, और नील श्री सीमेंट है मोडक में। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 4/3/2/1। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करना है, नस्ल है और पशु है, तो सूरती ये है भैंस की नस्ल, मगरा भेड़ की, बर्बरी बकरी की, और मालवी गोवंश की। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, DBAC। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 2023 में। नेक्स्ट, लूणी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वस्त्रों की रंगाई और सफाई इकाइयां। नेक्स्ट, निम्नांकित वाक्यों पर विचार करना है। पहला है, राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1966 तक रहा, सही है पहला। और दूसरा है, यह राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राजस्थान की राजनीतिक अस्थिरता के कारण लगाया गया था, गलत है। और मार्च 1967 में राज्यपाल हुकुम सिंह ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति की सलाह भेजी थी, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा, केवल 1 सही है। नेक्स्ट, कुलाधिपति द्वारा वर्ष 21/22 में निम्नलिखित में से किस राज्य पोषित विश्वविद्यालय में सर्वोत्तम विश्वविद्यालय कुलाधिपति
कुलाधिपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा, महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीक विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? तो नहरी सिंचाई, ये पहला ही नहीं है, बाकी भूमि उपयोग में परिवर्तन, अतिचारण और बालू का स्तूपों का एकत्र होना, ये भी है, तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है, यानी गलत कथन पहचानना है इनमें से, तो कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी, सही है। दूसरा है, 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान में मंत्रिपरिषद कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी, गलत है। दूसरा, तीसरा है, 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान में मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी, ये भी सही है। और चौथा है, 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 30 से अधिक नहीं होगी, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत कथन है दूसरा। नेक्स्ट, राजस्थान में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला है, 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी, सही है पहला। दूसरा है, राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या का निर्धारण 2011 की जनगणना के आधार पर 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ था, गलत है। और तीसरा है, 2026 तक राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचित क्षेत्र 200 ही रहेंगे, ये भी सही है। चौथा है, राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचित क्षेत्र 200 है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर दो गलत कथन है, तो दो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के बारे में सबसे ज्यादा बार अपने मंत्रिपरिषद अपने बारे अपने मंत्रिपरिषद की बर्खास्त की देखी है? तो ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा, भैरव सिंह शेखावत ने। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी? तो ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, राज प्रभु महाराजा सवाई मान सिंह ने। निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष नहीं रही है? तो लाड कुमारी जैन रही है, सुमन शर्मा भी रही है, पवन सुराणा भी रहे हैं, लेकिन नागेंद्र बाला नहीं, तो ऑप्शन नंबर तीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष एवं उनके आवंटित कार्यकाल के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अध्यक्ष है राज्य वित्त आयोग के और उनका आवंटित कार्यावधि है, तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं, तो ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, ज्योति किरण का कार्यकाल 2010 से 2010-11 से लेकर 2014-15 से 2015 तक नहीं था, तो ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा। नेक्स्ट, 2023 तक राजस्थान विधानसभा अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही आदि दिनांक कितनी बार भंग की गई है? तो ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, 3 बार। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक को उपरांत लागू हुए? तो ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा, 19 जनवरी 2001 से। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला है, बीकानेर राज्य 1928 से भी पहले का स्वयं का ग्राम पंचायत अधिनियम था, सही है। दूसरा है, राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव 1 सितंबर 1959 में आयोजित हुए थे, ये भी सही है। तीसरा है, पंचायत राज व्यवस्था का देश में उद्घाटन सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान में किया था, ये भी सही है। चौथा है, 1952 में राजस्थान पंचायत राज अधिनियम लागू हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर चार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान रियल इस्टेट रेगुलर अथॉरिटी यानी रेरा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा, 2019 में। नेक्स्ट, निम्नांकित में किसका कार्यकाल राजस्थान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा? तो ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा, डीएस तिवाड़ी का। नेक्स्ट, 33 RPS द्वारा डिलीट कर दिया गया था। अगला देखते हैं, जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। पहला, यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंधित सूचना प्रदान करता है, सही है। ई मित्र पर इसके माध्यम से सूचना प्राप्त करने का कोई शुल्क नहीं लिया जाता, ये भी सही है। इसे सूचना पाने के लिए SSID की आवश्यकता होती है, गलत है। चौथा, यह RTI अधिनियम 2005 की धारा 2 के सबसेक्शन 4 के अंतर्गत मांगी गई सूचना प्रदान करने का एक प्रयास है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर तीन राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, सामाजिक अंकेक्षण दायित्व और पारदर्शिता सोसाइटी राजस्थान गठन कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, 2019 में।
नेक्स्ट, राजस्थान राज्य महिला आयोग का अधिनियम 1999 की किस धारा में आयोग के कार्य का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, धारा 11 में। नेक्स्ट, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में परिचालित भूमि जोतों का आकार है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2.73 हेक्टेयर। नेक्स्ट, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 14 जिलों में। नेक्स्ट, निम्नांकित वाक्यों पर विचार कीजिए। पहला है, राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 की उपबंधित करता है कि प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध निर्णय के 30 दिन के भीतर द्वितीय अपील अधिकार के पास दूसरी अपील की जा सकती है। गलत है। दूसरा है, राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 की उपबंधित करता है कि द्वितीय अपील अधिकारी 30 दिन के बाद भी अपील ले सकता है यदि वह संतुष्ट हो जाता है तो आवेदक के समय पर अपील नहीं कर पाने के पर्याप्त कारण है। ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए तथा 2 दोनों सही नहीं है। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सरसों, तारामीरा और अलसी। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु राजस्थान में निम्न में से कौन सी परिषद या समिति का गठन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद का। नेक्स्ट, राजस्थान में अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ इसके घटते स्तर को रोकना। निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति शुरू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 2022। नेक्स्ट, राजस्थान के शहरी गरीब और कमजोर तबके के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक सेवाएं निम्न में से किसके द्वारा प्रदान की जा रही है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जनता क्लिनिक के। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री विशेष योजना स्वरोजगार योजना के संबंध में निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऋण उन विशेष योजनाओं को दिया जाता है जिनके स्वयं एवं परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 5 लाख से कम है। नेक्स्ट, स्टार्ट्स एक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसे राजस्थान में क्रियान्वित किया जा रहा है, इस परियोजना का उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना। राजस्थान की मिड डे मील योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इस योजना के अंतर्गत 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होता है। नेक्स्ट, स्टैंड अप इंडिया योजना में परिकल्पना की गई है कि? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों को उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया जावे। राजस्थान में कुल 4 जिलों को 100% डिजिटाइजेशन के लिए चयनित किया गया, वे जिले हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही। नेक्स्ट, दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई राजस्थान में कितनी है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 374 किलोमीटर। नेक्स्ट, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राजस्थान में निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 25%। नेक्स्ट, राजस्थान में मुख्यमंत्री वृद्धा सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं और 58 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों को पेंशन प्राप्त करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 75 वर्ष की आयु तक 1,000 प्रति माह। नेक्स्ट, राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत के उद्देश्य में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, ई है निर्यात क्षमता वाले उत्पादकों और सेवाओं की पहचान कर उन्हें बढ़ावा देना है, सही है। बी है, राजस्थान के हर जिले का एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तित करना है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ए और बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए है, राजस्थान अस्थिर नीति 17 दिसंबर 2022 को लागू की गई, सही है।
दूसरा है, इस नीति का उद्देश्य राज्य के हस्तशिल्पों के और बुनकरों को उन्नत तकनीक और आवश्यक वित्तीय और विपणन सहायता प्रदान करना, प्रोत्साहित करना। ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, ये भी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला ही गलत है। आयोग का गठन दिसंबर 2022 से संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया गया था, ये गलत है। नेक्स्ट, हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिक ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा है, वह जीवाश्म लगभग कितना वर्ष पुराना है, तो ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, 6.7 करोड़ वर्ष पहले का। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत देशी और विदेशी फिल्म निर्माताओं को कितनी धनराशि की सब्सिडी प्रदान की जाती है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 2 करोड़ की, 2 करोड़ तक। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 की 23 को मंजूरी दी है, राज्य सरकार ने किस वर्ष तक 200 KT प्रतिवर्ष ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 2030 तक का। नेक्स्ट, हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के लिए राजस्थान की कशीदाकारी शिल्प को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया, यह शिल्प किस स्थान की प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बीकानेर की। अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय उसका कौन सा सेनापति राव हमीरदेव के सैनिकों द्वारा मारा गया था, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नुसरत खान। नेक्स्ट, कछुआ वंश के निम्नलिखित शासकों को काल क्रम अनुसार यानी पहले से बाद तक व्यवस्थित करना है, ऑप्शन नंबर यानी सवाई जगत सिंह, फिर सवाई जय सिंह तृतीय, फिर सवाई राम सिंह द्वितीय, फिर सवाई माधो सिंह द्वितीय, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट, अकबर ने प्रताप के समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे, निम्न में से किसे शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अबुल फजल ने। नेक्स्ट, ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती की दरगाह बुलंद में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सुल्तान महमूद खिलजी ने। नेक्स्ट, बागौर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, पहला है बागौर में लघु पाषाण उपकरण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है, सही है। दूसरा है डॉक्टर LS लेसनी एवं पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से यह उत्खनन कार्य संपादित किया गया था, यह भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट, सम्मिलित करना है रचनाकार है उनकी रचना है और उनके रचनाकार है, तो बाबूजी के छंद इनके रचनाकार हैं, मेहाचारण हो जाएगा, ये का 3 और बाबूजी के गीत इनके हैं बांकीदास, बाबूजी के सोरठे ये रामनाथ और बाबू प्रकाश आसिया मोरजी, तो डी का 1, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी दादूपंथ की शाखा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही गलत है, थाम्बा लेकिन नागा खालसा विरक्त ये दादूपंथ की शाखाएं। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी में राजपूताना के 6 ब्रिटिश सावनियों में से कौन सी सबसे शक्तिशाली सावनी थी, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नशीराबाद। नेक्स्ट, 1897 ईस्वी में बिजोलिया के किसानों ने जो गिरधर पूरा गाँव में एकत्रित थे निम्न में से किन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को। नेक्स्ट, 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह किससे हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भोजराज से। नेक्स्ट, डैश एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य है जो मंदिरों में प्रार्थना के समय और त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नौबत। नेक्स्ट, बेसर और भंवरकड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नाक में। नेक्स्ट, कौन से शहर से गोल्डन ट्रायल के अंतर्गत कौन से शहर गोल्डन ट्राइंगल के अंतर्गत त्रिकोण के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, दिल्ली, आगरा और जयपुर।
नेक्स्ट, चित्रकार नियालचंद किससे संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, किशनगढ़ स्कूल से। नेक्स्ट, दादूपंत का अधिकांश अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? तो ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, ढूंढाड़ी में। नेक्स्ट, 1933 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, अंजना देवी बजाज ने, सॉरी जानकी देवी बजाज ने। नेक्स्ट, मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्यौहार गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा, चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। नेक्स्ट, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 में लिखा गया था? तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी चार राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज इब्राहिम क्रिएशन के द्वारा। नेक्स्ट, राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा, महाजनी के नाम से। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है यानी ए है, कुमलगढ़ बोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है, गलत है ए। दूसरा, रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली के सर्वोच्च शिखर है, सही है। उड़िया पठार माउंट आबू में स्थित है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, बी और सी सही है। नेक्स्ट, किस भूआकृति प्रदेश में नरसिंहपुरा पहाड़ और हिंगलाज का मकबरा स्थित है? तो ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, लोनी बेसिन में। नेक्स्ट, असीमती मेशो और माजम किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा, साबरमती की। नेक्स्ट, अचलदास खिचड़ी की रिवचनिका नामक ग्रंथ का रचयिता था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिवदास गणन। धन्यवाद आप सभी को।